तो दोस्तों आज बात करेंगे पेंड्रम प्लस का और फुल डिटेल रिव्यू करेंगे और जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और सबसे ज़रूरी चीज़ जानेंगे इसके साइड इफेक्ट जो यूज़ करने के बाद पीछे रह जाते हैं और रिव्यू के आधार पर इसको रेटिंग भी देंगे आउट ऑफ 10। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। तो वीडियो में आगे जाने से पहले जान लेते हैं ये इतनी पॉपुलर आखिर क्यों है, क्या इसके अंदर सॉल्ट आता है, तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर चार कॉम्बिनेशन में इंग्रेडिएंट आते हैं यानी सॉल्ट आते हैं। पहला है ऑफ्लोक्सासिन, फिर आता है ऑर्निडाजोल, फिर इसके बाद आता है टर्बिनाफाइन और लास्ट में आता है क्लोबिटासोल। दोस्तों ऑफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल एंटीबायोटिक है, टर्बिनाफाइन एक एंटी फंगल है और क्लोबिटासोल एक एस्टेरॉयड है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, एस्टेरॉयड है ये, कोर्टिको एस्टेरॉयड की श्रेणी में आता है जो कि बिल्कुल सेफ है, जो बहुत बढ़िया इम्पेक्ट करता है और बहुत ज़रूरी भी है। तो दोस्तों ये चार कॉम्बिनेशन में जो इंग्रेडिएंट है इसी के कारण ये इतनी पॉपुलर है, क्योंकि बहुत बढ़िया इम्पैक्ट मिलता है जब आप इसको अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ सबसे बढ़िया बात ये मैगलोट्स कंपनी की आती है, मैगलोट्स फार्मास्यूटिकल की आती है जो कि नंबर वन कंपनी है इंडिया के अंदर, टॉप कंपनियों के अंदर ये आती है। और अभी इसकी MRP की बात करें तो मार्केट में 100 रुपये के आसपास आ रही है, पहले 70 रुपये की आती थी 15 ग्राम, अब 100 रुपये की 15 ग्राम आ गई है। इसी के दर पर आप जान सकते हो कितनी पॉपुलर करीम है। अब बात करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, क्या इससे ग्लो आता है, क्या इसे यह स्किन को गोरा करती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, जितनी तेज़ी से ये ग्रो करती है इतनी तेज़ी से और कोई करीम इम्पेक्ट नहीं कर पाती, बहुत तेज़ी से यह गोरापन लाती है और स्किन को ग्लो करती है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे साइड इफेक्ट रह जाते हैं जिसके बारे में कोई नहीं पता। तो दोस्तों पहला साइड इफेक्ट ये है कि यह सेंसर जो स्किन में सेंसर होते हैं उसको डैमेज कर देती है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है, जो कि दिखाई नहीं देते। आप जब इसका यूज़ करना छोड़ोगे उसके बाद ही आपको दिखाई देंगे, उससे क्या होगा आपकी स्किन ब्लैक हो जाएगी। दूसरे साइड इफेक्ट की बात करें जो कि बहुत ही खतरनाक है, वो है इसकी आदत पड़ जाती है, इसकी एबिलिटी हो जाती है। इसकी आदत पड़ने पे क्या होता है, जैसे आप इसको स्टॉप करोगे, लगाना बंद कर दोगे, तो आपकी स्किन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आपकी स्किन ब्लैक होने लगेगी। ये ही सबसे खतरनाक इम्पैक्ट है इसका, साइड इफेक्ट का। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि इसे किस तरह से बचा जाए। दोस्तों पेंड्रम प्लस क्रीम का और भी बहुत वर्क है, जैसे कि आप एंटी फंगल क्रीम के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है कहीं पर भी बॉडी पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और कोई दाद है, खाज खुजली है, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, चार कॉम्बिनेशन में सॉल्ट है, सभी में काम आती है। अब बात करेंगे किस तरह से इसके साइड इफेक्ट से बचा जाए। तो दोस्तों अगर आप पेंड्रम प्लस क्रीम का यूज़ करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि अगर आपको पेंड्रम प्लस फेस पर लगानी है तो लगाने से पहले आप कोई भी फेस वॉश से अच्छे तरह से चेहरा वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपने हल्के हाथों से इसको अप्लाई कीजिएगा, रगड़ना बिल्कुल नहीं है वरना आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। दूसरी चीज़ यह है पेंड्रम प्लस क्रीम का आप यूज़ रात को कीजिएगा, रात को करने से क्या होता है कि स्किन एकदम मुलायम रहती है और कोई भी डस्ट पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं चिपकते, तो इसे क्रीम बढ़िया काम करती है। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो लगाने के बाद, तो आप इसको सडनली बंद मत कीजिएगा, पहले आप रोज़ लगाते थे, अब अचानक अगर आप बंद कर दोगे तो आपको इसका गलत रिजल्ट मिलने लगेगा। अब क्या करना है, अब आपको अल्टरनेट डे लगाना है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन यूज़ करना है, फिर एक हफ्ते के बाद आपको 7 दिन में तीन तीन दिन लगाना है, 4 दिन नहीं लगाना है, फिर आपको एक हफ्ते के बाद 7 दिन में 2 ही दिन लगाना है, फिर आप अगले हफ्ते एक ही दिन लगाना है। इस तरह से अगर आप बंद करोगे तो आप इसको बंद भी कर दोगे और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिखेगा। तो दोस्तों ये था फुल रिव्यू पेंड्रम प्लस क्रीम के बारे में, अब देते हैं रिव्यू के हिसाब से इसको रेटिंग। तो दोस्तों मैं मेरी तरफ से इस क्रीम को रेटिंग 10 out of 7 देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसके साइड इफेक्ट खतरनाक हैं जो कि बाद में दिखाई देते हैं। और आप अपने हिसाब से क्या रेटिंग देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो